इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यिबन कसीरन मुबारकन फी अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा खलक वल्हम्दुलिल्लाहि मिलअ मा खलक वल्हम्दुलिल्लाहि अदद कुल्ली शै वल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा फी समावाति व मा फी अर्द अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मस्जिद राहीम ख़ान और अबु हुर्रेरा एजुकेशन सोसाइटी में बैठे हुए यहाँ पर सामईन हज़रात और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने वाले जहाँ भी लोग हैं, बहुत ही अहम और हसास मौजू पर आपके सामने यहाँ चंद अहम बातें कुरान, सुन्नत, तारीख़, हिस्ट्री जिसे कहेंगे, मौजूदा हालात, मुसलमानों के नज़रिए, इस पर इंशाल्लाह करनी है। उन्वान जो बुनियादी तौर पे आपके सामने रखा गया है, जिसे खोला नहीं गया लेकिन इशारे में बात कही गई, मज़लूम मुसलमान और मज़लूम इंसानियत। अक्टूबर 2023 में ये जो दिन चल रहे हैं, गुज़िश्ता 10-12 दिन से सारी दुनिया की नज़रें एक मज़लूम मुसलमान तबके पर हैं जो दुनिया के मिडिल ईस्ट इलाके फ़लस्तीन में रहता है। दुनिया के कोई भी मुल्क का मानने वाला बादशाह हो या सदर हो, हर एक का एक ही कहना है कि मासूम इंसानों का और हमारे लिए मासूम मुसलमानों का जो कत्ले आम किसी की गलती की वजह से फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, वो फिलफौर रुकना चाहिए। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ह्यूमैनिटेरियन एड यानी इंसानी तकादे से जो मदद करनी चाहिए जिनके ऊपर जुल्म व सितम हो रहा है, इस बात का भी तयक़ुन दिलाया गया है। दुनिया के कई लोग हैं जो हरगिज़ भी नहीं चाहते कि फ़लस्तीन के अंदर मासूम मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है वो जारी रहे, वो रुक जाए। फ़लस्तीन के मुसलमानों से मुताल्लिक़ ही हमारी बात है। हमास क्या है, इससे हमें कोई ताल्लुक़ नहीं। ये एक सियासी मसला है, ये एक फ़ौजी मसला है, ये एक पॉलिटिकल मसला है, ये अलग मामला है। मेरी और आपकी वाबस्तगी हर मुसलमान से है और हर उस मुसलमान से हमारी वाबस्तगी कट जाएगी जो दूसरे मुसलमानों की जानों को झोंकम में डाल देगा, दूसरे मुसलमानों के साथ धोखे का मामला करेगा। हमारी वाबस्तगी ऐसों के साथ नहीं रह सकती। सियासी पहलुओं पे गुस्तगू नहीं करते हुए कुरान और सुन्नत से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अहम बातें फ़लस्तीन, इज़राइल, तारीख़, इसके उमूर में, इन उमूर में मेरे और आपके लिए जानना ज़रूरी है। वरना इसलिए कि आज मौजूदा ज़माने के अंदर आपको ऐसे ऐसे नज़रिए पेश किए जा रहे हैं जहाँ कुरान और सुन्नत को गलत तरीक़े से आपको समझाया जा रहा है। कुरान की आयत पढ़कर भी समझाया जा रहा है कि ये ऐसा नहीं होना था, फला ऐसा नहीं होना था। इस तरीक़े के गलत नज़रियों से बचने के लिए कुरान और सुन्नत, तारीख़ और अहले इल्म की तालीमात की रोशनी में इन मौजूदा हालात पे हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, इसको बुनियादी तौर पर देख लें। सबसे पहली बात, अल्लाह ताला ज़ुल्म करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला अपने किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता। कुरान मजीद सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने वादे तौर पर इरशाद फरमा दिया, औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा। अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, आजमाइश नहीं डालता। फ़लस्तीन के अंदर आज जो कुछ भी हो रहा है, मासूम इंसानों का कत्ल जो दूसरे मज़हब वाले देखेंगे, हमारी नज़रिए से मासूम मुसलमानों का कत्ल जंग के नाम पर जो किया जा रहा है, ये जो कुछ है आज, ये उनकी आजमाइश है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा। क़यामत तक ये आयत का मफ़हूम कोई बदल नहीं सकता। ये उनके लिए आजमाइश है अल्लाह ताला की तरफ से, और ये वही कौम है जो इस आजमाइश को सह सकती। बाकी किसी दूसरी कौम पे ऐसी आजमाइश नहीं है दुनिया में। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा। हुक्म अल्लाह का है ना, हमला किसका हो, गलती किसकी हो, लेकिन उनके लिए तो अल्लाह की आजमाइश है। ला युकल्लिफुल्लाह, अल्लाह मुकल्लफ जुल्म नहीं करता अपने बंदे पर। ये उनकी आजमाइश है, और उनकी आजमाइश में वो किस कदर अपने ईमान का सबूत देंगे वो अल्लाह जानता है। वीडियोस की शक्ल में आप देख चुके होंगे 4-5 साल के बच्चे जख्मी हैं, मगर जबान पे अल्लाह का कलीमा है, जबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह है, जबान पे अल्लाह की शुक्रगुजारी हमदो सना है। ये आजमाइश है उनकी। गलती किसी की भी हो, गुनहगार इंसान गुनहगार होता है, लेकिन अल्लाह ने कुरान मजीद में भी फरमाया, इसका तर्जुमा इस तरह है, मगर यह कि जो मजबूर किया गया उस पर गुनाह नहीं लिखा जाता। ये उनकी यकीनन आजमाइश है। और अल्लाह अपने बंदों को जिस तरीके से आजमाना चाहता है आजमा लेता है, और बंदों को जितना अल्लाह ताला आजमाता है अल्लाह जानता है कि बंदा इस आजमाइश के काबिल है। मेरे और आपकी वो आजमाइश नहीं है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ से कि अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही, अल्लाह तेरा शुक्र है जो उस आजमाइश में हमें मुब्तला नहीं किया। एक तो ये हाल जो फ़लस्तीन के अंदर है हमारी आजमाइश नहीं है। एक आला दौर भी गुजरा, मिसाल समझने के लिए बात हमारे जहन में बैठेगी। करनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना, जहाँ यहूद भी मदीने में रहते थे, ईसाई भी 200 अरब के जजीरे में रहते थे, मुशरिकीन भी रहते थे, सबके लिए इंसाफ का ज़माना। हज़ारों हज़ारों लाखों को मुशरिकीन मक्का को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, ऐसे माफ़ कर दिया हूँ जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया था। एक वो ज़माना, एक ये ज़माना। ना हम ये ज़माने के लायक हैं, ना उस आजमाइश के लायक हैं, ना उस ज़माने के लायक थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, जबकि सबसे अमन वाला ज़माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जब ताबईन से हुई तो एक ताबई ने अज़मत सहाबा किताब में इकबाल केलानी ने ये इस हदीस को पेश किया है। जब ताबई की मुलाकात हुई तो उन्होंने साहबी से कहा मुबारक हो, क्या ही अच्छा साथ आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिला, क्या ये अच्छा मौका आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का मिला, काश काश कि हम भी उस ज़माने में होते। कोई मुसलमान तमन्ना कर सकता ना बे काश कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मिलता। लेकिन मनहजे सहाबा ये है कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी उनसे कह दिया खबरदार कोई तुम में से इस बात की तमन्ना भी ना करे कि वो उस ज़माने में होता जिस ज़माने में नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उस ज़माने में अबू बकर, उमर, उस्मान और अली दीगर साहबा के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके कंधे के बाजू को आके बैठ कर दीन इस्लाम की दावत दी, वो भी इस्लाम कबूल नहीं किया। अबू तालिब, ये तो थे ईमान वाले। उस ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन को अपने पैर से रगड़ने की कोशिश करने वाला अबू जहल भी था। उस ज़माने में अहद की जंग से 300 लोगों को लेकर पलटकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाला अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल भी उस ज़माने में मौजूद था। हम कौन से ज़माने में होते? उस ज़माने में होते तो ईमान का मामला होता है, निफाक का होता है, हम नहीं जानते। उस ज़माने के लिए जो लोग होना था अल्लाह उनको ज़माने में भेजा। उस ज़माने की आजमाइशों को जो सह सकते थे अल्लाह उनको उस आजमाइश में डाला। बदर की आजमाइश, ओहद की आजमाइश, खंदक की आजमाइश, मार्के मुता की आजमाइश, फतेह मक्का की आजमाइश, मक्के में 200 हिजरत करने की आजमाइश किसके लिए थी? ये उन लोगों के लिए थी जो उस ज़माने के अंदर थे। ना हम उस ज़माने के लायक थे, ना हम इस ज़माने के लायक है, ना इस आजमाइश के लायक है। और हमारी आजमाइश यही है जो आज हमारे ज़िंदगियों में चल रही है। आप ये भी तमन्ना नहीं करो अपन वहाँ रहते तो फ़लस्तीन में नबी का ज़माना नहीं सोच सकते तो ये सोचते, फिर नबी का ज़माना नहीं सोच सकते तो क्या ये सोचेंगे? फिर हम आजमाइश उनके लिए जो है वो है, उसमें खरे। यकीनन दिलों में तकलीफ है और होनी भी चाहिए, और अगर दिल में तकलीफ नहीं हो रही मासूम इंसानियत का कत्ल देख के, मुसलमान तो और बात है, मासूम इंसानियत का कत्ल देखते हुए दिल में तकलीफ नहीं हो रही तो यह भी बुराई को देखकर तकलीफ नहीं देखना ही वाला, तकलीफ नहीं होने वाली मामला है। और अगर इनके हालात को देख के तकलीफ नहीं हो रही तो फिर ईमान का जायजा ले लेना। और अगर तकलीफ हो रही इनके हालात को देखकर समझ ले कि ईमान अभी भी कुछ बचा हुआ है। और ये जो तकलीफ है, ये जो तड़प है कि उन मुसलमानों से तकलीफ दूर हो जाए अल्लाह की रहमत से, उनके ऊपर ये बमबारी ख़त्म हो जाए, सलामती के साथ वो रहे, ये किस वजह से अजीज़ दोस्तों? ये किस वजह से है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से बनाए। कितने हिस्से? वो एक हिस्सा रहमत का अल्लाह ने अपनी मखलूक में बांट दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा वही एक रहमत के हिस्से की वजह से जानवर अपने बच्चे पर रहम करता है और माँ अपने बच्चों पर रहम करती है, इंसान इंसान पर रहम करता है। वो एक रहमत जो अल्लाह ने बांट दी। आज दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम होंगे, गैर मुस्लिम हुकूमतें होंगी, लेकिन फ़लस्तीन के अंदर मासूम मुसलमान और इंसानियत का जो कत्लेआम हो रहा है हर एक को तकलीफ है। वो एक रहमत की वजह से जो अल्लाह ने नाजिल की है। जब वो एक रहमत के नुज़ूल की वजह से सारी इंसानियत के दिल में उनके लिए तड़प और मोहब्बत पैदा हो रही है, तो सोचो अजीज दोस्तों 99 रहमतें जो अल्लाह के पास है, अल्लाह कैसे वो मासूम मुसलमानों को छोड़ सकता है तन्हा। जब एक रहमत की वजह से इंसानियत के हाथ उठ रहे, नमाजों में सुजूद हो रहे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे, लोग एड भेज रहे, गैर मुस्लिम हो या मुसलमान, तो कैसे वो रब 99 रहमतों के हिस्से रखने के बाद अपनी मखलूक पर, अपने बंदों पर, जिनके नाम पे अल्लाह का जिक्र है, जिनकी जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह है, कैसे अल्लाह तन्हा छोड़ सकता है? नहीं छोड़ता अल्लाह। वो मासूम बच्चे, हम क्या हैं? जज्बाती हो जाना। जब तक कुरान से रिश्ता नहीं है, सुन्नत से रिश्ता नहीं है, अहले इल्म से रिश्ता नहीं है, सही मनस से रिश्ता नहीं है, सलफियत से रिश्ता नहीं है, मतलब सहाबा के तरीके से रिश्ता नहीं है, आप सही तर्ज को नहीं पहुंच सकते। इसलिए अहले हदीस नाम के दुनिया में आज बहुत है, तौहीद वाले दुनिया में नाम से आज बहुत है, जिनके पास तौहीद है, बस तौहीद के अलावा दूसरी चीज नजर नहीं आती। मनहज सहाबा नहीं है, हिकमत सहाबा नहीं है, अखलाक सहाबा नहीं है, तौहीद है, तौहीद ही है, तौहीद के अलावा दूसरी चीज नजर नहीं आ रही। फिर अपने नजरियात से, अपने अकीदे से, अपने इल्म से जो सीख गए, दुनिया को गुमराह करने वाले कुछ लोग हैं, सिर्फ तौहीद ले रही, बाकी दीगर तमाम मामलात में मनहज सहाबा इख्तियार नहीं किया जाता। यह तौहीद मजबूत नहीं होती, अकीदा मजबूत नहीं होता। वो एक रहमत की वजह से सारी इंसानियत के लिए उनके दर्द तड़प रहे, और वही रहमत अजीज दोस्तों 99 रहमतें अपने पास रखने वाला रब्बुल इज्जत कभी मासूमों को जो सो तन्हा छोड़ने वाला नहीं है। फ़लस्तीन के मुसलमानों के मासूम बच्चे जो बालिग होने से पहले मर रहे हैं, वो तो वही हैं, लेकिन तवज्जो दीजिए जुमले पे अजीज दोस्तों, बात सुन्नत से है। इस नाजायज हमले में या जंग में यहूद का कोई बच्चा भी जो नाबालिग था मर गया, वो भी अल्लाह की कसम जन्नतों में है। उन्वान क्या दिया गया? मजलूम मुसलमान और मजलूम इंसानियत। यहूदी का बच्चा, ईसाई का बच्चा, हिंदू का बच्चा जो बलोगत से पहले मर चुका घर में, या इस हमले में यहूद के जितने बच्चे मारे गए वो सब जन्नती हैं। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेराज के मौके पर मैंने देखा एक लंबे कद का इंसान था, उसके आतरा में छोटे छोटे बच्चे घेरे हुए थे। मैंने फरिश्तों से पूछा ये कौन है? कहा ये लंबे कद के जो शख्स हैं ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, आपके वालिद जद्द आला, जहाँ से आपका सिलसिला शुरू होता है। और कहा ये छोटे बच्चे साहबा को हदीस सुना रही, मेराज के सफर से पलट के फरिश्तों से गुफ्तगू के, कहा ये छोटे बच्चे वो हैं जो दुनिया में बालिग होने से पहले मर गए, बलोगत से पहले मर गए, ये सब जन्नत के बागों में हैं। जब हदीस सुन रहे थे साहबा इकराम, तो सवाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुशरिकीन के बच्चे भी जो बालिग होने से पहले मर जाए वो भी जन्नत में? कहा मुशरिकीन के बच्चे भी जो बलोगत से पहले मर जाए सबके सब जन्नत में है। इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है, फितरत पर पैदा होता है, इस्लाम पर पैदा होता है, बालिग होने से पहले मर गया, उसकी मौत भी इस्लाम पर हो गई। मजलूम मुसलमान भी है, मजलूम इंसानियत भी है, और वो मरने वाले यहूद के बच्चे वो भी दीन इस्लाम मुसलमान की हैसियत से मर रहे हैं। ये जो दिलों में आज उनके लिए तड़प है, वो एक रहमत की वजह से है, हिस्से की वजह से। 99 रहमत कैसे किसके पास है? अल्लाह कभी तन्हा छोड़ने वाला नहीं है। और अल्लाह की रहमत का नज़ारा आपको बताऊं इंशाअल्लाह 12 अक्टूबर को जो हुआ, आज क्या है? जब ये जंगी हालात चल रहे हैं, सियासी फैसले से हमारे को लेना देना नहीं है, हमास क्या है कि लेना देना कुछ भी नहीं है। हमारा ताल्लुक जिस तरह हिंदुस्तान का नजरिया फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, फलस्तीनियों को अपनी जगह मिलने के लिए है, उसी मौजू से है। रहमत अल्लाह की, मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े, बच्चे, दुनिया हिल गई। एक हॉस्पिटल में 500 लोगों को एक झटके में खत्म कर दिया गया। दुनिया आवाज उठा दी हर तरफ से। रब के फैसले अजीज दोस्तों, वो यहूद का हमला, किसका हमला, किसकी साजिश, सब छोड़ो, आजमाइश में तो अल्लाह की तरफ से वो लोग हैं। रब से ताल्लुक जोड़ो, बस रब का फैसला किसके लिए क्या हो रहा उससे पैगाम लेते जाओ, अपने लिए अमान मांगते जाओ। मदीने में ग़ज़वे खंदक हुई, 10,000 फौज जमा हुई। कितनी? या मारने वाले भी यहूद। अल्लाह की मदद, अल्लाह के फैसले, जरा सीरत में आके तो देखिए, दीन में आके तो देखिए। बनु नज़ीर, बनु खैनुखा, बनु कुरैज़ा, मदीने में रहने वाले 3 यहूदियों के बड़े कबीले थे। जब बनु नज़ीर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की, ये यहूद जो मेरे और आपके नबी को कत्ल करने की प्लानिंग कर लिए थे, उनके लिए ये मासूम लोगों को कत्ल करना क्या जो सो दिल सख्त या नरम रहेगा उनका। मदीने से इनको बाहर निकाला गया। बनु खैनुखा मुसलमानों का एग्रीमेंट तोड़े, मदीने से बाहर निकाला गया। जब मदीने से बाहर निकले, बनु खैनुखा, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, कुरैश के अरब के कबीले बनु गतफान और दीगर को जमा करके 10,000 की फौज जमा करे। कितने? 10,000। और मदीने की तादाद 3,000 के करीब थी पूरे मिला के भी। ऐसा बड़ा लश्कर, ऐसा बड़ा लश्कर 6 हिजरी के इख्तितामी हिस्से में या 5 हिजरी के हिस्से में लेकर मदीना आए, यह सोच करके सबको मिटा देना है। मासूम लोगों को कह दिया गया 24 घंटे में घर खाली कर दो। पूरी दुनिया के लोग, चाहे जो भी मजहब का मानने वाला हुक्मरां हो, आवाज उठा दिया एक ऐसी बात है। 11 लाख लोगों को 24 घंटे में घर खाली करने के लिए कहा गया। और इधर 10,000 का लश्कर, आज समझे कि मुसलमान हट जाएंगे। सलमान फारसी, फारस, ईरान की तरफ के, और आज साजिशों में जो इनके साथ है वो भी फारस, उधर जो साथ देने वाला था वो भी फारस रज़ियल्लाहु अन्हु। थोड़ा न्यूज भी पढ़े तो मेरे बातें समझ नहीं आते, नहीं तो बाद में वीडियो में देखना पड़ता। सलमान फारसी ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खंदक खोदेंगे, ट्रेंच, 40 हाथ ऐसी, 40 हाथ ऐसी, एक बार अंदर गया तो फिर ऊपर नहीं आ सकता उन्हें। 10,000 का लश्कर, 3,000 के करीब मुसलमानों की कुल तादाद मदीने में लश्कर हमला करने आया। कभी अरब के खित्ते में ऐसी खंदक नहीं खोदी गई थी। इस इलाके में जहां जंगें होती थी, पहली मर्तबा खंदक देखे। जैसे खंदक देखे, बोले अब लड़ने के लिए हमारे पास जो सो कोई वे नहीं है, ना हथियार, ना रस्सी, ना सीढ़ी, कोई प्लानिंग नहीं। एक दिन टल गया, 2 दिन टल गए, 3 दिन टल गए, 1 हफ्ता टल गया, 2 हफ्ते टल गए। खाली रोजे में नहीं थे उनला, सुबह शाम दोपहर ऊँटा कटते थे, खाना पड़ता था। 1 महीना यहूद का लश्कर मुशरिकीन के साथ मदीने की चौखट पे खड़ा है, अंदर नहीं आ सक रहा, बाल बाका नहीं हो सका एक मुसलमान का। 1 महीने के बाद अंदरूनी तौर पे बनु कुरैज़ा जो मदीने में थे, उनसे पहाड़ी वाले रास्ते से जाके तालमेल करके यहूदी ये बोले पीछे से हमला करो, 3,000 उधर पलटेंगे, हम खंदक बन करके 10,000 लेकर अंदर जाएंगे, पीछे से 3,000, आगे से 10,000, 3,000 मुसलमान को खत्म कर देंगे। ये प्लान चल ही रहा था और इधर अल्लाह ताला के फैसले आ रहे थे आसमानों से। और अल्लाह के जो फैसले आसमानों से आ जाते हैं वो ऐसे फैसले हैं अजीज दोस्तों कि जिस फैसले को कोई रोक नहीं सकता, उसकी हिकमत को कोई रोक नहीं सकता, उसके मंशे के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। सूरह अहज़ाब, सूरह नंबर 33, आयत नंबर 9 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अहज़ाब यानी वही खंदक का सूरा, वो जंग के नाम से सूरा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूद फ़अरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा व काना अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। ऐ लोगों जो ईमान लाए, एजाब में मुंतजिर है 10,000 का लश्कर चले जाए। 1 महीना निकल गया तुम्हारा। ऐ लोगों याद रखो ईमान वालों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से अल्लाह मुखातिब है। कसम अल्लाह की, आयत का पैगाम आज हमने अपनी आंखों से देख लिया फलस्तीन के अंदर। अल्लाह कहता है ऐ मुसलमानों की जमात जो खंदक के मैदान में हो, नेमत अल्लाह की तुम पर यह है कि तुम चाहते हो कि दुश्मन तुमसे चले जाए, ये फौजें तुम पर हमला ना करे, तो देखो अल्लाह की कैसी मदद आई कि अल्लाह ने तुम्हारे उस इलाके में ऐसी हवाएं भेज दी, ऐसी आंधियां भेज दी, ऐसी तूफानी हवाएं भेज दी कि दुश्मन के खैमे उड़ गए, दुश्मन की हांडियां उड़ गई, दुश्मन तितर बितर हो गया, हथियार तितर बितर हो गया। यहां तक कि दुश्मन देखा 1 महीना ठहरना पड़ा, ऐसी आंधी चली कि हर चीज बिखर गई, अब जंग लड़ने के लायक नहीं है। 1 महीने के बाद 10,000 का लश्कर जलील होकर मदीने की धूल चाटकर अपने अपने घरों को चला गया। अब बताने का मकसद क्या है? पूरी दुनिया कह रही थी लैंड इन्वेजन होगा, मासूम फलस्तीनियों के बारे में सोचा जा रहा था, बच्चे कहां जाएंगे, औरतें कहां जाएंगी, बूढ़े कहां जाएंगे, घरों को छोड़ देने के लिए कहा गया 24 घंटे में हमास हटो साइड में, किधर है पता नहीं, हमको ताल्लुक नहीं है उससे, मासूम मुसलमानों से ताल्लुक है, जिसके लिए सारी दुनिया के लोग ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं, उनसे ताल्लुक है। तो फिर हुआ ये कि अब यह कहा गया 24 घंटे में छोड़ दो, यह कहकर 1 हफ्ता हो गया। कितना? आज तक दाखिला नहीं ले सके वो लोग अंदर। जिस दिन दाखिला ले रहे थे देखने वालों ने देखा जैसी आंधियां एजाब के दिन चलाई गई, इजराइल और गाजा की पट्टी पर अल्लाह की तरफ से आंधी चला दी गई। हाथ उठे तो रायगा जाने वाले नहीं है। अरे हमारे हाथ उठाने की क्या कैफियत, अरे वो लोग जख्मों में रब के सामने उठा रहे, हम पर रहम कर। अरे आंखों से देख लिए, ना किसी फौज की जरूरत थी, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा एजाब में, अल्लाह ने आंधी भेजी एजाब में। आंखों से हमने देख लिया कि टोरंडो ऐसी तूफानी हवाएं, ऐसे घेरे पड़े। 1 हफ्ता पहले डिक्लेरेशन करना पड़ा मौसम की वजह से हम इन्वेजन मुलतवी कर रहे हैं। रब के फैसले हैं। कोई दुनिया का मुसलमान इन फलस्तीन मासूम मुसलमानों के लिए हमास नहीं, इनके लिए हाथ उठाए या ना उठाए वो 99 रहमतों का हिस्सा अपने पास रखने वाला अल्लाह इनको कभी मायूस करने वाला नहीं है। याद रखिए, खाना दुनिया लेके जारी, मदद हिंदुस्तान से भी जाने का ऐलान हो गया। जरूर इंसानियत है, जब इंसानियत मजलूम होगी अरे इंसान को उठना पड़ेगा। यह रब की मदद है। अजीज दोस्तों, आए ये हालात, दिल का तकलीफ होना, और फिर एक हिस्सा रहमत का है, उसी की वजह से हमारे दिलों में नरमी है। 99 से अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पास। कुरान मजीद की एक मशहूर आयत है, कई मरतबा सुने होंगे आप, किसी एक इंसान का कत्ल करना कैसा है। ये आयत भी मौजज़ा है आज के ज़माने के लिए, ये मौजूदा हालात के लिए भी आयत मौजज़ा है। अहज़ाब का ताल्लुक हवाओं का। यहाँ पर सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32, तवज्जो से सुने। ये जो आयत है कि एक इंसान का कत्ल करना सारी इंसानियत के कत्ल करने के मुतरादिफ हैं, ये आयत का भी ताल्लुक मौजूदा सिचुएशन से है। इस एतबार से नंबर 32 नाम क्या कहा गया, फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अरे एक इंसान को कत्ल करना सारी इंसानियत को कत्ल करने का जितना गुनाह होगा वो एक इंसान को कत्ल करने का गुनाह है। ये आयत किस पे नाजिल हुई थी? ये आयत किस पे नाजिल हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, ये बताने के लिए कि ये आयत पहले यहूद पर नाजिल की गई थी जो कुरान में नाजिल की जा रही है। नेतन्याहू, जो तुम मासूम मुसलमानों को कत्ल कर रहे हो, दुनिया बोरी रुक जाओ, हमास के साथ तुम क्या भी कर लो ताल्लुक नहीं है, लेकिन मासूम जो शहरी हैं उनका क्या ताल्लुक। ये सुनो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने क्या नाजिल किया था, तुम्हारी तौरात में अल्लाह ने क्या नाजिल किया था, बनी इसराइल पर अल्लाह ने नाजिल किया था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मिन अजलि ज़ालिक कतबना अला बनी इसराइल, बनी इसराइल यानी यही यहूद, कतबना उनकी किताब में लिख दिया गया था, बनी इसराइल अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्स औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। ऐ बनी इसराइल, तुम्हें वाज़े बात कह दी गई थी, एक इंसान का कत्ल करना सारी इंसानियत के कत्ल करने के मुतरादिफ है। ये आयत इनके लिए थी। जब अल्लाह ने कह दिया बनी इसराइल के नबियों के दौरी में उनकी किताबों में नाजिल करके, तो ये कौम आने वाले दौर तक कत्ल करते रहेगी, हत्ता के दज्जाल नहीं निकल जाता, दज्जाल के साथ 70,000 मिलके भी दुनिया में आखिरी कत्ल का काम यही कौम करने वाली है। ये रुकने वाले नहीं है, आप समझिए, ये सदियों से चल रहा, ये दज्जाल के निकलने तक चलेगा, जब तक कि नुज़ूले ईसा नहीं हो जाते अलैहिस्सलाम, तब तक करेंगे लोग। फसाद तो चलेगा, क्योंकि अल्लाह ने जब कुरान में कहा तो इनके लिए आयत नाजिल हुई थी पहले कि तुम्हारे बारे में बात कही गई। दिल को तकलीफ है तो रहमत के कौन से हिस्से की वजह से, वो एक हिस्सा जो अल्लाह ने इंसानियत को अता किया, मखलूक को अता किया, जानवरों के अंदर भी रहमत इसी की वजह से, रहम करना। और 99 हिस्से जिसके पास रहमत के अल्लाह अज़्ज़ा व जल, वो अपने किसी बंदों को यूं ही छोड़ने वाला नहीं है। सिर्फ एक हवा का झटका आ गया, 3.5 लाख लोगों को रुक के रहना पड़ा, नहीं मौसम ख़राब है, फैसले अल्लाह के। अजीज़ दोस्तों, यकीनन जो हालात इस वक्त फ़लस्तीन में, इंसानियत को भी इसकी तकलीफ़ है, बिलखुसूस मुसलमानों को इसकी तकलीफ़ ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, सारे मुसलमान दुनिया के एक जिस्म के मानिंद है, जिस्म के किसी हिस्से में कांटा चुभ जाए सारा जिस्म बेचैन हो जाएगा। यकीनन ये बेचैनी हमारे ईमान का हिस्सा है, इंसानियत भी इसकी आवाज़ उठा रही है। यकीनन दुआ में इनको याद रखना है, बिलखुसूस खुशी के मौके पे हम अच्छे खाना खा रहे हैं, खुशियों में हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, याद रखिए वो चेहरों को, वो बच्चों को, वो औरतों को, वो बूढ़ों को अल्लाह सलामती नाजिल कर। हम दुआ नहीं भी करेंगे, याद रखिए आप, 99 रहमत कैसे अल्लाह के पास है, जिसने एक हिस्सा हमारे पास भेजा है, वो मदद करने वाला है। अब आइए तकरीर के दूसरे हिस्से में, फ़लस्तीन, हालात, अल्लाह की मदद, अल्लाह की आजमाइश, उनका उसमें खड़ा उतरना, ये सब कुछ अपनी जगह है। दूसरा हिस्सा इज़राइल, या मुल्क मुराद नहीं है, जब भी इज़राइल नाम लिए तो कहना अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है इज़राइल अलैहिस्सलाम। लफ्ज़ इज़राइल कहकर मैं और आप ना गाली दे सकते, ना बददुआ दे सकते, अगर कहेंगे तो एक नबी को बददुआ देने वाली बात है, इसलिए इल्म ज़रूरी है। इज़राइल पर लानत करना, बोलना मतलब कैसी बात है, एक नबी पर। मुल्क का नाम क्यों रखा गया इज़राइल, बनी इज़राइल, उन्हीं से इनका सिलसिला शुरू हुआ, इसलिए उन्होंने इज़राइल नाम रखा। अकीदत में इतने मजबूत हैं, नो अकीदत में इतने मजबूत हैं, या बनी इसराइल, ऐ इसराइल की औलाद। इसराइल से आए, फिर ये हालात क्यों हैं, क्या वजह है, क्यों फलस्तीन के अंदर दाखिला लेना चाहते हैं। शरीयत, तारीख अलग चीज, शरीयत पूरी तारीख बता दी, कुरान पूरी तारीख बता दी मुझको और आपको। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशतर मुकामों पर, बिलखुसूस सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 20, 21, 22, 23, 24 और 25 में ये तमाम बातों का जिक्र वाज़े तौर पर अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया। आइए लफ्ज इज़राइल मतलब नबी या मुल्क, नबी। मुल्क का नाम क्यों रखे वो लोग? क्योंकि उन्हीं के जो सिलसिले से हैं। अब हुआ ये, याकूब अलैहिस्सलाम यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम के बेटे कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम। कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में कहाँ फेंक दिया गया था? कुएं में। कुएं में से निकाले कौन? काफिला जा रहा था। काफिला ले जाके कौन से बाजार में बेचा? कौन से बाजार में? मिस्र में। मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आगाज मिस्र में। यूसुफ अलैहिस्सलाम किसके बेटे? याकूब अलैहिस्सलाम। इजराइल के पहले बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, जोसेफ जिसे कहा जाता है। मिस्र में पले बड़े, जुलेखा का हमला, जेल में जिंदगी, जेल से राहत, फिर निकले, मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर बने। कहां के? मिस्र में फाइनेंस मिनिस्टर बने, हुकूमत का हिस्सा बने। मिस्र में जो बादशाह आते थे उन्हें ही फेरौन लक़ब दिया जाता था। क्या लक़ब दिया जाता था? फेरौन एक, फेरौन दो, फेरौन तीन। जैसा क्वीन एलिजाबेथ 1 2 3 चल रहा वैसा फेरौन कहा जाता था। वही मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम का सिलसिला आगे बढ़ा और यही इजराइल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के सिलसिले से अंबिया कराम आते गए। दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, कई अंबिया आए बनी इसराइल की तरफ। और यही बनी इसराइल है जो अपने हाथों से अपने कई नबियों का कत्ल भी कर दिए। तो फिर मासूम मुसलमानों की हैसियत है इनके सामने। यही बनी इसराइल, यही मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम फाइनेंशियल मिनिस्टर बने, यही मिस्र में फेरौन आया वो जो बच्चों को चुन चुन कर मारा करता था, इसलिए कि एक बच्चा है जो आके इसकी सल्तनत को खत्म करेगा। फिर यूं ही बात चलती रही, हत्ता कि अल्लाह की शान ये है जिस बच्चे को कत्ल करना चाहता था वही बच्चा फेरौन के घर में पलकर बड़ा हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम, इजराइल, याकूब अलैहिस्सलाम से यूसुफ अलैहिस्सलाम, कुएं में गिरना, कुएं से उठाना, मिस्र में बेचना, मिस्र में सिलसिला, वही सिलसिला। मूसा उसी सिलसिले से आगे बढ़कर आए, मिस्र में आबाद हो गई चीज़ें। आखिरकार वो दिन आया कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन और उसके लश्कर से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को जो सो नजात दे दी। जब नजात मिल गई बनी इसराइल को तो हुआ क्या उसके बाद? ज़मीन दर ज़मीन फिरते रहे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। तवज्जो दी जब इस बातों को। यहाँ इज़राइल फ़लस्तीन का वार कुरान मजीद सूरह नंबर 5 आयत नंबर 20 में यहाँ पर वाज़े डिक्लेयर्ड है सब चीज़ें। अब जैसे फ़िरौन से नजात मिली, तूर पर चले 40 रातों के लिए, तौरात लेने के लिए। इधर तौरात लेने के लिए चले, इधर सामरी नीचे गाय के बच्चे में मट्टी डाल दिया, गाय बोलने लगी। जैसे गाय बोलने लगी, गाय के बच्चे की सबसे पहली पूजा करने वाले यहू जमीन पर। मूसा अलैहिस्सलाम पलट कर आए, कौम ये क्या कर दी? अल्लाह फ़िरौन से नजात दे दिया तो फिर ये लोग गाय के बछड़े की पूजा कर लिए। हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़ने का वाकया। फिर कौम को समझाए, कौम आगे बढ़ी। कौम बोली, मूसा अल्लाह से बोलो जन्नत से खाना भेजे। मन व सलवा उतर रहा था। क्या उतर रहा? रोज खाना आ रहा जन्नत से। कौम खा खा के बेजार हो गई, बोले ये क्या रोज एक ही कसम का खाना, जरा लहसुन और अदरक का मामला हो जाए। प्याज और लहसुन मांगी कौम। प्याज और लहसुन की खेती होना शुरू हुई। इसलिए मस्जिद में खुद प्याज और लहसुन खाने वालों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में बदबू से आने से मना किया। साफ मुंह करके अंदर आना नहीं, जैसा तहारत नहीं है बल्कि मस्जिद के बाहर रहते वैसी प्याज की बदबू आएगी, बाहर रहेंगे, नमाज माफ नहीं होती, उससे लोगों को तकलीफ नहीं होना बदबू से। यही कौम अंबिया को कत्ल की, बछड़े की पूजा कर ली। यही कौम जो सो अंबिया को अपने हाथों से कत्ल की, अनगिनत गुना। अल्लाह ताला माफ़ करते जा रहे हैं, माफ़ करते जा रहे हैं, माफ़ करते जा रहे हैं। आखिरकार अल्लाह ताला ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, कौम दर बदर फिर रही, ये बनी इसराइल दर बदर फिर रही। अब एक काम करिए मूसा अलैहिस्सलाम, अब मिस्र से तो निकल गए, अब निकल के इनको इस इलाके में दाखिला ले लो। बोलो जिस इलाके को आज फ़लस्तीन कहा जाता है, जहाँ मस्जिद अक्सा है। मूसा अलैहिस्सलाम बोले मेरी कौम दर बदर फिर रहे हैं। खैमों में टेंटों में रहते थे ना, दर बदर के हो गए थे। अल्लाह ताला दुआ करे मूसा अलैहिस्सलाम बोले चलो फ़लस्तीन में दाखिला लेना है। आज जो फ़लस्तीन है, पहले के बड़े बड़े रकबे रहते थे, चलो दाखिला लेंगे। कौम का जवाब, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अम्बिया व जअलकुम मुलूका व आताकुम मा लम यूति अहदम मिनल आलमीन। सूरह मायदा नंबर 21 में मूसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं यहूद बनी इसराइल, नेतन्याहू जानता है। आओ बोले थे पहले इनको, कौन हुक्म दिए? मूसा अलैहिस्सलाम, या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसा, ऐ मेरी कौम इस मुक़द्दस ज़मीन पे दाखिला ले ले जहाँ बैतुल मुक़द्दस है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे बनाया था। अल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तरतद्दू अला अदबारिकुम फतंक़लिबू ख़ासिरीन। बोले मूसा अलैहिस्सलाम वो मुक़द्दस ज़मीन पे कैसा दाखिला लेंगे? हम दर बदर फिर रहे थे, घर नहीं था, ठिकाना नहीं था। अल्लाह ताला बोले आओ फ़लस्तीन में। वहाँ एक फ़ौज थी, एक बादशाह था। कौम बोली मूसा अलैहिस्सलाम ये बड़ी खद्दावर कौम है, इनसे कौन लड़ेगा? हम तो दाखिला नहीं ले सकते। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल में 2 लोग थे। उन्होंने जवाब दिया दाखिल हो जाओ, अल्लाह की मदद आ जाएगी, बुज़दिली मत करो। कौम क्या जवाब दी? बनी इसराइल आज फ़लस्तीन में दाखिला लेना चाह रहे हैं, तुमको नबी बोले थे, तुमको अल्लाह का हुक्म हुआ था, दाखिल हो जाओ। कौम ये जवाब दी थी क्या? क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन व इन्ना लन नदख़ुलहा हत्ता यख़रुजू मिन्हा फ़इन यख़रुजू मिन्हा फ़इन्ना दाखिलून। कौम बोली मूसा अलैहिस्सलाम वो फौज निकली तक हम नहीं जाते। फिर आगे क्या हो गया? फिर कौम यह जवाब दे दी मूसा अलैहिस्सलाम से कि कौम अब मामला यह है, कौलू या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदा मा दामू फीहा फदहब अंत व रब्बुक फकातिला इन्नहा हुना काइदून। जब यहूदियों को बोले थे आओ फ़लस्तीन में दाखिला ले लो, कौम मूसा अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दी? कुरान मजीद आयत नंबर 23 और 24 पढ़ी है। कौम ने कहा मूसा दाखिला नहीं लेते, अगर दाखिला लेना ही है, इस कौम से भिड़ना ही है तो मूसा तुम और तुम्हारा रब अल्लाह जाके कौम से लड़ लो, हम तो कौम से लड़ने वाले नहीं हैं। ये किसका जवाब था? यहूदियों का। दाखिल हो बोले वक्त क्या बोले? नहीं होते। अल्लाह ताला अब फैसला दे दिए, अल्लाह के हुक्म का इनकार, नबी के हुक्म का इनकार, तो अल्लाह ने कह दिया अब 40 साल तक कभी जमीन में दाखिला नहीं ले सकते तुम। फिर फिरते रहे, दरगाह रांदा होकर रह गए, जगह जगह फिटकार। उसके बाद तारीख अंबिया चले गए, दौर आता गया। जब ये वीडियो आप देखेंगे अपलोड वक्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इजराइल के नेतन्याहू का 3 मिनट का क्लिप है, इंशाल्लाह दाल में लगाऊंगा, उसकी गवाही दे रहा हूं आपको। ये सब सीरत तारीख इकरार कर लिया आज का पीएम। क्या हुआ? अलेक्जेंडर द ग्रेट इसको बोलते, उसका गलबा उसी जमीन पर, उसकी हुकूमत गई रोमन एम्पायर, उनका गलबा, उनकी हुकूमत गई बैजेंटाइन एम्पायर, उनका गमला। यहूद का पीएम आज कहता है इजराइल का हर कोई हमारी जमीन पर कब्जा करता रहा, हम दाखिला नहीं ले सके, हम सुकून से नहीं रह सके। अल्लाह ने कहा था दाखिला लो, नहीं लिए, अल्लाह भटकाते रहा, खाली फिराते रहा बस। अब उसके बाद क्या हुआ? 7वीं सेंचुरी आई। कौन सी सेंचुरी? 7वीं सदी। ये कौन सी सदी है? 21वीं। 7वीं सदी यानी जैसा आप 2023 चल रहा, 7वीं सदी मतलब 601 साल से लेकर 700 को 7वीं सदी बोलते। जैसा 2022, 2023, 2024, 24 है 21वीं सदी। क्यों? 2000 से शुरू होता है। 7वीं सदी जब साल की ये गिनती 600 की थी, तो 600 का ज़माना कौन सा था? ये वो ज़माना था जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से जिंदा उठा लिए गए थे। और 600 से लेकर 630 32 तक तारीख उठा के देखिए। नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इस वीडियो को आप देखिए, कहता है हम पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने वैसा काम नहीं किया, हम पर रोमन अंपायर ने वैसा काम नहीं किया, हम पर रोमन अंपायर के अलावा बैजेंटाइन अंपायर ने वैसा काम नहीं किया जैसा काम हम पर 7वीं सदी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले खुलफाए राशिदीन का दो दौर आया। जब उन्होंने हम पर हमला किया तो मस्जिद अक्सा फतेह हो गई, उसके बाद कभी हम आज तक भी इजराइल में दाखिला नहीं ले सके मुकम्मल तौर पर। यह वीडियो देखिए आप, उसमें उसका इंटरव्यू में डाल दूं 3 मिनट का। 7th सेंचुरी मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मेरे और ईसा के दरमियान 600 साल का फर्क है। कितने? 600। वहीं से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर शुरू हुआ। 601, 622, 632, 675 खुलफाए राशिदीन का दौर, अमीर माविया का दौर, बाद के जो सो आने वाले जो सो बनी उमैयद वगैरह का दौर। उसके बाद बोला अरब, द कॉन्केस्ट ऑफ अरब 6th क्लास ग्रेडर में पढ़ाया जाता, 7th क्लास की स्कूल में पढ़ाया जाता, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अरब। बोले वो लोग ऐसा हमला किए थे? नहीं। सुभान अल्लाह, उमर बिन खत्ताब और उनका दौर था वो 7th सेंचुरी। जब गए मदीने से इतला दी गई मस्जिद अक्सा फलस्तीन फतेह हो चुका, अमीरुल मोमिनीन आइए। आप मस्जिद अक्सा की कुंजियां लेने के लिए पहुंचे। अरबी सीधे सादे लिबास में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो मुसलमान फौज वहां मौजूद थी, कहा अमीरुल मोमिनीन जरा तुर्की घोड़ा ले लीजिए, जरा यहाँ का लिबास शानदार पहन लीजिए, यहूद के उलमा से मुलाकात करने जाना है मस्जिद अक्सा की कुंजी लेने। कहा अमीरुल मोमिनीन ने, क्या हो गया है तुमको, लिबास और जानवरों के पीछे जो सो पड़ गए हो? इज्जत के वास्ते याद रखो अल्लाह ने जो हमें इज्जत दी है वो इस्लाम की वजह से दी है, और अल्लाह की जात को छोड़ के किसी और जरिए से इज्जत कमाने के बारे में मत सोचो। ये फलस्तीन फतेह करने गए, खुद की बात है, जिसका इकरार आज इजराइल के पीएम भी कर लिए। बोले 7th हिजरी में जो हुआ 7th सेंचुरी में कभी नहीं हुआ। और फिर ये कब तक चला? 19th सेंचुरी तक। 12 साल तक नहीं जा सके। और जब 12 साल तक इन्हों दुनिया के बाहर थे तो वहां कौन थे? वही मुसलमानों का सिलसिला जो चल रहा था, जिन्हें आज फलस्तीनी कहा जाता है। हजरत उमर बिन खत्ताब के जमाने के लोग हैं, 7th सेंचुरी के लोग हैं, जिसका कब्जा था, उसका मुल्क था, उसकी जमीन थी। आज तुम 19वीं सदी में पलट कर आकर कहते हो द प्रॉमिस लैंड, हमको तौरात में उस जमीन का वादा किया गया है, वो जमीन हमारी है। दुनिया के ताकतों को मिलाकर फलस्तीन को खुपसना शुरू किया 1800 से। ये जंग 2023 की नहीं है साहब, ये 200 साल पुरानी जंग है। ये जो जमाना उमर से सिलसिला चला रज़ियल्लाहु अन, कौन थे वो? वही मुसलमान। मस्जिद अक्सा के बाद रहने वाले, बसने वाले फैल गए थे, यहां तक इन्हों पलट कर आके बोले हमारी जमीन है। अरे सूरे मायदा में अल्लाह ने कहा तुम्हारे दावे सब झूठे हैं। मूसा ने कहा था उदखुलू, आओ दाखिल हो जाओ मेरे साथ। तुमने कहा था मूसा तुम और तुम्हारा रब अल्लाह चले जाओ, हम तो आने वाले नहीं उस जमीन में। आज कहा जा रहा आओ हमारी जमीन है दियो। अब तो खैर जंग का मामला चल रहा हो, हमास वगैरह क्या, वो सब साइड में छोड़ो। ये कुरान की आयत पढ़ के बता रहा हूं मैं तारीख, हदीसें पढ़ के बता रहा हूं मैं तारीख, ये सब हमास वमास सब साइड में। कौन क्या है, क्या साजिश है, वो समझ नहीं आती है बात। जब इनको करना है मासूम फलस्तीनों को, दुनिया यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन है जो जहां है इनके मुतालिक फलस्तीनों का हक है। लेकिन हर थोड़े दिन को आप देखते थे अखबारों में घरां तोड़े जाते हैं, इजरायली बॉर्डर बढ़ते जाता, घरां तोड़े जाते हैं, इजरायली बॉर्डर बढ़ता जाता, सेटलर्स कहा जाता, ये कहकर आके बस गए, हटाओ यहां से। ये जो जंग चल रही है ये यकीनन ये उसी साजिश का हिस्सा होना मुमकिन है कि द प्रॉमिस लैंड हमको वादा किया गया था, हम मजीद अंदर दाखिला हो जाएंगे। कह दिया गया 24 घंटे में इतना इलाका खाली कर दो, मतलब ये कि तुम प्रॉमिस लैंड को हासिल करने के लिए मजीद अंदर घुसना चाहते हो। जब अल्लाह ताला कहे तो कौम नहीं गई, जब मूसा अलैहिस्सलाम बोले तो कौम नहीं गई। आज जाना चाह रही जबकि वहां बसे हुए लोग हैं। ये तारीख हदीस दोस्तों, और आप समझ रहे हैं ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं, ये दज्जाल आने तक चलेंगे सिलसिले। आप याद रखिए, आप ये अंदर घुसते जाएंगे, लेते जाएंगे। उनके अकीदे हैं द प्रॉमिस लैंड है, हम लेंगे हमारी ज़मीन, वह मुसलमानों का दबदबा। जब ये लोग 19 सेंचुरी में पलट के आ रहे थे, मुसलमान जगा दिए, आइए आइए रह जाइए, रह जाओ, जहाँ खाते खा लो। पलट के उन्हीं के घरों को रोज़ा कब्जा कर लिया गया। ये एक तारीख़ है, किसी के खिलाफ हो सकता, लेकिन हकीकत कुरान और सुन्नत से ये है। दुनिया कुछ भी करके आपको पेश कर दे। सूरह मायदा में अल्लाह ने कह दिया आओ दाखिल हो जाओ, बोले नहीं, तुम और तुम्हारा रब अल्लाह जाके लड़ो, हम नहीं आते। ये तारीख़। अदीज़ दोस्तों, एक के बाद एक बादशाह इनके ऊपर आते गए। हज़रत उमर का ज़माना, हत्ता कि आज जो मस्जिद अक्सा है, मस्जिद अक्सा के आतराब में यहूद और ईसाइयों के लिए भी मुक़द्दस जगहें हैं। और आज जॉर्डन का जो किंग है, किंग अब्दुल्ला II, आप देखते गोरे सर के आदमी एक, ये हाशमी कबीले से आदमी हैं। ये सिलसिला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले से हाशमी कबीला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 41वीं नस्ल है, ये 41st जनरेशन है हाशमी कबीला। भले क्लीन शेव है, कोट पैंट पे कुछ भी होंगे उन्हें। और यही जॉर्डन का किंग है जो आज द कस्टोडियन ऑफ मस्जिद अक्सा है। ये आदमी मस्जिद अक्सा का कस्टोडियन यही आदमी है, जॉर्डन का किंग। और वहाँ यहूद और नसारा के भी जो मुक़द्दस मकाम है, उनका भी कस्टोडियन यही है। दोनों की मरम्मत कराना, हिफाजत करना यही आदमी जो अपने पैसों से खुद करते हैं वो लोग, अपने ख़जाने से। और तारीख़ के अब से लेकर 1924 से लेकर आज तक इनके बाप दादा $1 बिलियन अब तक मुक़द्दस मकामात को लगा चुके उनकी हिफाजत के लिए खाली। ये तारीख़ है। मासूम मुसलमान जो दुनिया में कत्ल किए जा रहे हैं, यकीनन उनकी तकलीफ हर एक को है। अब ये हमास कहाँ से आ गया? ये कौन है हमास? ये क्या साजिश है? ये कौन सी जंग है? अल्लाह का कलाम इधर है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर है, उधर अहज़ाब की आंधी है, इधर 12 अक्टूबर की आंधी है। ये सब कुछ है। कौन है जो ऐसी साजिश करा जो 23 लाख मासूम सिविलियंस की जान को दो पे लगा दिए? ये यकीनन साजिश है। हम नहीं चाहते कि मासूम यहूदियों का भी कत्ल हो। अगर उनका बच्चा भी कत्ल होता है वो भी जन्नत में, हदीस आपको सुना दी गई तकरीर के हिस्से में। और फिर हम कैसे चाहेंगे मासूम मुसलमान भी कत्ल कर दिया जाए? मुसलमान मुसलमान का भी दुश्मन नहीं है और मुसलमान इंसानियत का भी दुश्मन नहीं है। जिस तरह इस्लाम में नमाज, रोजा, हज, ज़कात की तालीम है, उसी तरह इस्लाम में इंसानियत की भी तालीम है। लेकिन अजीज दोस्तों, तुमसे दुश्मनी में शदीद हमेशा रहने वाली ये जमात यहूद की है, वो हमेशा रहेगी। ये चलेंगे हालात। दज्जाल के साथ 70,000 जब तक लड़ेंगे नहीं, तब तक ये हालात हर दौर में आने वाले हैं। अब रही बात, ये उनकी आजमाइश है। आप हटा सकते आप उनकी आजमाइश। इसलिए तीसरा आखिरी पहलू तकरीर का जो 5 मिनट आपके लूँ वो ये है। इतने सब कुछ बात कुरान और सुन्नत से बताने का मकसद ये था, यकीनन आजमाइश है। ये तारीख़ी बातें, कुरान का जिक्र, हदीस का जिक्र, नुज़ूल ईसा तक के बातों का जिक्र। आप जज्बाती मत हो जाइए, आप फिल्मी नज़रिया मत इख्तियार कीजिए, आप इखवानी नज़रिया मत इख्तियार कीजिए। क्या चल रहा आज नौजवानों में, ये सब बातों का इल्म है नहीं है? क्या जाती बात, आवाज़ उठाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप हैदराबाद में अगर है, लोकल कॉरपोरेटर के ऊपर एक वीडियो बना के बताइए आप, उन्हें मोहरी ने करा, ये नहीं करा, अपलोड करे। सो 1 घंटे में पार्ट 2 बनाना पड़ता। फिर आपको मालूम ना, पार्ट 1 पार्ट 2 यहां पर कहता चलता। यहां पार्ट 1 पे नहीं टिक रहे, वहां की बात कर रहे हैं। अरे रब की बहुत बड़ी आजमाइश है साहब, बहुत बड़ी आजमाइश। वो मासूम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश। घरा रेत हो रही, जुबान पे अल्लाहू अकबर है। और अपनी आजमाइश शादी के फेरिसों में परेशान है अपन। क्या साहब, वलीमे में क्या बनाना, इसमें परेशान है। कितनों को दावत देना इस मेज परेशान है। चिल्ले छट्टी जुमागी, इधर जाना उधर जाना, पिकनिक को जाना, फार्म हाउस को जाना, ये कर देना वो कर देना, इसी में परेशान है। वो झेलते वलीमे के टेबल पे लड़ रहे हैं यारो कुत्तों के जैसा, जाके कुर्सियां पलटा लेके, ये कौम का हाल है। इसमें कामयाब नहीं है अपन, अखलाक पूरे पैदल हैं। बड़ी बड़ी जमातें, उलमा के बड़े बड़े ग्रुप अखलाकी मामलात में धज्जियां उड़ा दे रहे हैं जहले हदीसों के। क्या चल रहा? तौहीद सही, अकीदा सही, गीबत, चुगलखोरी, अहले हदीस के खिलाफ करने में 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए खाली कोर्टों के केसों को जा रहे हैं। अहले हदीस के मसाजिद की खुसूसियत, ये दौर आ जाएगा अगर नहीं संभलेंगे। अहले हदीस जमात हमारी, समझ लीजिए आप, कईयों मसाजिद आपके वक्फ बोर्ड के हवाले होने वाले हैं। 3 तो हवाले कर दिए अंदर अंदर। कभी भी आपके इमाम को हटा दे सकते, ऐसा सिचुएशन है अब हाल। क्यों? आपसी रंजिशें, आपसी लड़ाई झगड़े, इस वजह से यहां कामयाब नहीं हो रहे, बातें बड़ी बड़ी चल रही। और बिलखुसूस हदीस दोस्तों, ये बात समझिए आप आपके घर के जिम्मेदार हैं। कहां के जिम्मेदार हैं? बस्ती के मसले में भी नहीं उठना बोलते, जो जिम्मेदार है वो लोग कर लेते। फलस्तीन में यकीनन अल्लाह की आजमाइश है, तो वहां के भी जिम्मेदार है। फलस्तीन का प्रेसिडेंट है जिससे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात करे हुए हैं ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। फलस्तीन का प्राइम मिनिस्टर है, फलस्तीन का प्रेसिडेंट है, फलस्तीन का यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फलस्तीन के हालात का रिप्रेजेंटेशन हुआ है। अरब लीग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक अफेयर्स में फलस्तीन का डिस्कशन अरब के सारे मुमालिक बैठकर किए हैं, क्योंकि फलस्तीन भी अरब का हिस्सा है। जो जिम्मेदार हैं वो लोग लगे हुए हैं। आप आपके घर का सोचो, आप आपके हालात का सोचो। हाथ उठा रहे अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों पर रहम करो, यकीनन उठाइए, गिड़गिड़ा के दुआएं कीजिए तहज्जुद में, सुजूद में। लेकिन वो एक रहमत का हिस्सा है, बल्कि आप दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं। ये भी सोचो कई लोग ऐसे आपके घर में, आपके खानदान, आपकी बस्ती में है जो आपकी रहमत की उम्मीद लगा रहे हैं कि हम पर यह आदमी का रहम हो गया तो कर्ज़ादा हो जाता। आपकी माँ आपके रहम के मुंतजिर है, आपका बाप आपके रहम के मुंतजिर है, आपकी औलाद आपके रहम के मुंतजिर है, आपकी बीवी आपके रहम के मुंतजिर है। अपन किस किस पे रहम करना है, आसानी करना है, उसके बारे में सोचिए। जिम्मेदार जिसको अल्लाह बनाया उससे पूछ होगी, उससे गिरफ्त होगी, उसे सजा भी अल्लाह के पास है, उसे इनाम भी अल्लाह के पास है। और ये मासूम मरने वाले किसी की मौत रायगा जाने वाली नहीं है। अल्लाह के करीब सब शहीद हैं जो मासूम है, जो सिविलियन समर रहे हैं, जो साजिश है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो मलबे के नीचे दबकर मरा वो भी शहीद है, जो जलकर मर गया वो भी शहीद है। कहां चली जाती हदीसें, बयान क्यों नहीं होती? मासूम सिविलियंस के लिए गैर मुस्लिम हुक्मरान आवाज उठा रहे, मासूम फलस्तीनी के लिए हम कोई दुआ की बात, उन्हें शहीद है इसकी बात, आंधी जो अल्लाह की मदद आई उसकी बात, उनको घर मिलना चाहिए उसकी बात नहीं करेंगे। साजिश क्या है हमास की, कोई लेना देना नहीं, हमको लेना देना है तो मुसलमानों की जान से। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिस तरह तुम्हारे करीब मक्का शहर की इज्जत है, जिलहज 10 जिलहज ईद के दिन की इज्जत है, तुम्हारे करीब जिस तरह जिलहज के महीने की इज्जत है, एक मुसलमान के करीब दूसरे मुसलमान के माल की, जान की, इज्जत की, आबरू की वैसी कदर होनी चाहिए जैसे तीनों चीजों की कदर है। इखवानी नजरिए से बचिए, जज्बाती होने से बचिए, रोडों पर निकलने से जो सो बचिए। गैर जरूरी लोग आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, डोनेट फॉर फलस्तीन मत डालिए, कहीं धोखेबाज लोग आ जाते, कहीं ऐसा ना हो आपको कोई टेररिस्ट तरीके से ना फंसा दिया जाए एक रुपया लेकर। उत्तर प्रदेश में ऐसी जज्बाती काम करने से 2 बच्चों के ऊपर केस हो गया। जज्बाती मत होइए, जिम्मेदार हैं आप, नहीं है उनके जिम्मेदार। आपका काम क्या है? कम से कम दिल में तकलीफ रखो, ईमान का निचला दर्जा है। दुआ के लिए हाथ तो उठाओ, कब कर लिए दुआ? एक बार, अरे दिन और रात जब याद आ रहे आवाज उठाइए। और सबसे अहम बात हदीस दोस्तों, बड़े अहले इल्म की नसीहत है, ये वीडियोस फोटोज़ को मत शेयर करिए आप। लोग उन्होंने अवेयरनेस आता, अवेयरनेस आ गया, मीटिंग हो गए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग होगी, और क्या अवेयरनेस आना। इसलिए कि जो इल्म की कमी है, जिनका ईमान कमजोर है, इन हालात को देख के मजीद ईमान कमजोर हो जाता है उनका, याद रखिए आप। खाली आप डरा रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं, इल्म की कमी की वजह से ईमान मजीद कमजोर हो सकता है। इसलिए अहले इल्म का ऐसे बातों को शेयर मत करो। दूसरी बात, कुरान की आयत, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम बातें समेट कर आपके सामने तीन अलग अलग हिस्सों में पेश करने की कोशिश की गई। फ़लस्तीन के हालात, इसराइल की तारीख़, और मुसलमानों को गलत नज़रिए से, बिलखुसूस इखवानी नज़रिए से बचना, ये बातें पेश करने की कोशिश की गई है। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।